तो आप मुझे चेंबर में आके कहें, मैं कोशिश करूंगा कि और आसन की गरिमा को बढ़ाने के लिए आपके हमेशा सुझाव मानूं। लेकिन हम सबको सामूहिक रूप से निर्णय करना होगा कि हम कैसे इस सदन की गरिमा और सम्मान को बढ़ा सकते हैं। आज सारे विश्व में भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। हम विश्व के कई देशों में कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पारदर्शिता भी है, जवाबदेह भी है। ये सदन जनता के प्रति जवाबदेह भी रहता है। आप एक व्यक्ति नहीं, आप एक संस्था हैं, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी अपेक्षाओं उनको भावनाओं को सदन में रखते हैं ताकि उनके अभाव को दूर कर सके। मैं पुनः आपसे आग्रह करूँगा कि अगर आप उचित समझते हैं तो हम किस तरह मिलकर इस सदन की गरिमा को बढ़ा सकते हैं, इसका हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि लगातार माननीय सदस्य घटनाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं ऐसे माननीय सदस्यों का आग्रह करता हूँ कि लगातार ऐसी घटनाएं जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, उन घटना की पुनरावृत्ति न करें। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं, ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि हम संसद की मर्यादा को बनाए रखें। सर, सदन जानते हैं कि सर इस आसन की एक चेयर की गरिमा बनाए रखने के लिए सारे अपोजिशन पार्टी शुरू के दिन से मशक्कत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। एक मिनट, इसी के बदौलत आप बाहर या अंदर, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर सारे मीडिया वालों को हर वक्त ये कहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी इतना है। अब बताइए कि आपकी नेतृत्व में हमारी सदन की जो प्रोडक्टिविटी, जितना बिजनेस में है, जितना समय सदन के अंदर हम लोग चर्चारत थे, चर्चा किए हैं, इसका एक नया मिसाल आपने खुद बनाई है। ये आप खुद कहते हैं, सब लोग मानते हैं, हम सब जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी की हिसाब से, प्रोडक्टिविटी की हैसियत से ये सदन आपकी नेतृत्व में एक नया मिसाल बनाए हैं। सर, आप देख रहे हैं ये सरकार की जिद्दीबाजी से, आप कल की सदन के अंदर, कल की घटना पे कहें आप। हाँ सर, सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं। एक मिनट सर, मैं एक कानूनी बात करते हैं। सर देखिए, सदन के अंदर सर एक कानूनी बात, एक कानूनी बात करते हैं। ना ना, कानूनी बात करते हैं सर, मैं एक छोटी सी कानूनी बात करते हैं। को बताना, ये बताना सर, चाहिए सर, कौन रुकता है? देखिए कल कौन रुकता है, आप खुद देखिए कल के। अच्छा, मेरा घटना के बारे में वो क्या कहना चाहता है? इतना इतना बड़ा बंडल, पेपर का बंडल चेयर के ऊपर फेंकता है, इधर हमारे ऊपर फेंका है, इसके मीडिया के ऊपर फेंका है, ये क्या, ये सही है या गलत है? बाकी चीज का डिस्कशन बीएससी में जो हुआ है हम बात करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। एक तरीका है क्या, माफी भी मांगना नहीं चाहते है क्या? यू डोंट वॉन्ट टू इवन अपोलोजाइज द चेयर, यू डोंट वॉन्ट टू अपोलोजाइज द चेयर, इज इट द वे टू बिहेव? आपने इतने साल तक राज श्री मोहम्मद फैजल